रियाकारों की जिंदगी तकलीफ वाली जिंदगी होती है। तड़प रहे होते हैं लोग कि मेरा नाम लिया जाए, मेरी फोटो आ जाए, मुझे कहीं आगे बिठा लिया जाए, मैं सियासी समाजी हूँ, फलाना हूँ फलाना हूँ। मुखलसीन की जिंदगी सादी, मतलब रब के बंदे जहाँ भी बिठा दो सब ठीक है, वो पीछे भी बैठे हैं तो चलो ठीक है, वो कहीं उनको कोने में जगह मिल गई तब भी। जो बड़े बड़े शयूखुल हदीस हैं ना, इस वक्त भी जो हैं, यानी जो खतीब वाइज मुकर्रर जब पूरी तरह उलझ जाए किसी बात में और जिनसे मसला पूछने जाता है, ऐसे लोगों को अभी भी लोग नहीं जानते, क्योंकि उनकी ना फोटो आती हैं ना वो मीडिया पे आते हैं। ऐसे लोगों को लोग नहीं, मुझे एक दफ़ा एक दोस्त ने पूछा कि मौलवी सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं बड़े सारे, मैंने कहा 5, 6, 7 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मौलवी तो अल्लाह के फजल से हज़ारों हैं, वो तो तवज्जो से पढ़ पढ़ा रहे हैं, तुम्हें सिर्फ वही नज़र आते हैं जो लड़ रहे हैं। मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिनका कोई ताल्लुक नहीं किसी किस्म की शारंगेजी से, वो तो खुदा के बंदो सवेरे वजू करके सुबह 7 बजे बैठते हैं और जोहर तक रसूलुल्लाह की हदीस का दरस देते हैं। तुम उधर तो आओ ना, और उन लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, वसी तादाद है इन लोगों, बड़े ज्यादा कसरत से ये लोग मुखलसीन वाली जिंदगी गुजारे हैं। हदीस पाक सुने, सियासिता में मौजूद है, सुनने अबू दाऊद में, हदीस के रावी हजरत उमर फारूक हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना नबी हैं ना शहीद हैं, लेकिन कयामत के दिन नबी और शहीद उनका मकाम देख के रश्क करेंगे। कोई नहीं समझी नहीं आपने मेरी बात, यानी जिस पर नबी रश्क करें और जिन पर शहीद रश्क करें कि क्या बात है तेरे मर्तबे, उसका क्या मर्तबा होगा। और हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन रब उन्हें नूर के मिंबर अता फरमाएगा, नूर के। या रसूलल्लाह ये कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो लोग हैं, ये हदीसें सही है और बस यही सारी विलायत है, कुल विलायत यही हदीस है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। क्योंकि वो जो आयत हम पढ़ते हैं ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, माशाल्लाह आपको भी आती है, सबको इतनी याद करा दिया हमने अल्लाह के फजल, ये सबको आती है, ये आती है ना सबको जनाब। ये आयत भी नबी पाक ने इसी हदीस के आखिर में जाके तिलावत की। हुजूर फरमाते हैं कि ना वो नबी हैं ना वो सिद्दीक हैं, नूर के मिंबर मिलेंगे, अंबिया सुलहा सिद्दीकीन शुहदा उन पर रश्क करेंगे। या रसूलल्लाह ये कौन है? हुजूर फरमाते हैं ये लफ्ज हैं हदीस के, फरमाया ना उन्हें कोई दुनियावी लालच था, ना उनका कोई रिश्तेदारी का मसला था, लेकिन वो आपस में मोहब्बत करते थे सिर्फ रब की रजा के लिए। मुखलिस लोग थे, मुखलिस। और इससे ये आपस की मोहब्बत के लफ्ज है, यहाँ निरा मुरीद की मोहब्बत के लफ्ज नहीं, पीर साहब ने भी कर लिया मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए। हाँ जी, माड़ा मुरीद आ जाए तो उसे देना है किराया उन्होंने आने जाने का, गरीब तालिब इलम आ जाए तो उसके साथ उन्हें शफकत करनी है। निरा ये हदीस में दो, ये उलमा से आप तस्दीक करा लें, दो तरफा मोहब्बत का जिक्र है। अभी मैं अलमुताहबी नफी, वो एक दूसरे के पास बैठते तो फिर भी अल्लाह की रिदा के लिए, मोहब्बत करते तो फिर भी। लो जी हदीस की तस्दीक भी हो गई है, ये बड़ी आसानी से आप तक बात पहुंच गई। वो एक दूसरे से, मुझे बात याद आ गई, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ना खादिम थे, सैयद अय्यूब अली रज़वी साहब। खादिम क्या थे वो, तुम कहते थे मेरा बेटा है, सादात से क्या खिदमत लेनी होती। एक दिन ना सोन हलवा बेचने वाला, फेरी वाला आया, रेड़ी वाला। अब तो रेड़ी वाले ना आते हैं, ना उनसे कोई चीज़ लेता है, ना उनको इजाज़त होती है कि वो आवाज़ दे सकें, अमीरों की नींद डिस्टर्ब होती है अगर वो दरवाजे पर आवाज़ दें। रेड़ी वाला आया, इतना बड़ा आदमी, उनको भी क्या ये चीज़ें याद रहती हैं। आला हज़रत ने सोन हलवा ख़रीदा और सारे तालिब इल्मों को खिलाया, कहते मज़ेदार होता है यार। दो पैकेट बना के दो पोटलियाँ, मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी ने लिखा है, वो दो बना के ना पैकेट तो अपने तकिए के नीचे बिस्तर में के नीचे छुपा के रख लिए, कुर्बान जाऊँ। सैयद अय्यूब साहब कहते हैं मैं आया तो मैं तो बज़ाहर गरीब था और मैं तो अपने आप को हुजूर की बारगाह से फैज़ लेने के लिए आता था, इल्म का तखबे का। मुझे कहने लगे अय्यूब अली वहाँ ना
दो पैकेट पड़े हैं उठा के लाओ। तो मैं उठा के लाया तो कहने लगे ये तेरा हिस्सा है एक पैकेट। कहते मेरे छोटे भाई कनात अली भी साथ थे, ये तेरा हिस्सा। इतना बड़ा आदमी, उनको याद रहता है ये काम करना, टाफियां खरीदना, टाफियां बांटना। यहां तक तो नहीं ना आ सकते हम। वैसे भी बंदा को अमीर हो जाए वो ये काम नहीं करता। कहते हैं वो मुझे दी तो मैंने शर्म महसूस की। तो ये लफ्ज लिखे मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी ने हयात आला हजरत में। आला हजरत के छोटे बेटे का नाम मुस्तफ़ा रजा है, हुजूर मुफ्ती आजम। तो फरमाने लगे पुत्र झिझकता क्यों है, ले ले। मैंने अपने बच्चों के लिए लिए थे, फिर मदरसों के बच्चों के लिए, सबको दे दिए, तुम थे नहीं। जो बच्चा ना हो अम्मा उसका हिस्सा रखती है, ये सिर्फ अम्मा रखती है, आला हजरत ने रखा। फरमाने लगे तुम नहीं थे तो मैंने ना तुम्हारा हिस्सा बचा के रखा था। पुत्र जिस तरह मेरा बेटा उस तरह तुम वो ले लो। कहते मैंने झिझकते झिझकते थाम लिया। मैंने पकड़ा था तो मेरे जो भाई थे ना कनात अली साहब, उन्होंने आगे बढ़ के ना खुद दौड़ के आला हजरत के हाथ से छीन लिया। तो फाजिल बरेलवी मुस्कुरा के कहने लगे आपने क्या किया। कहने लगे हुजूर आपने खुद ही तो कहा है कि मैं बेटा हूँ, तो मैं तो अपने अब्बा के हाथ से भी छीन लेता हूँ। कहते खुश हो गया आला हजरत। तो हुजूर फरमाते हैं वो अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की रिजा के लिए उनका दुनियावी लालच कोई। फिर ये आयत तिलावत की आला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम या कानून। ये वो लोग हैं यहाँ लाके का जो मुखलिस हैं, जिनका मुरीद के तरबियत से ताल्लुक है, मुरीद की जेब से ताल्लुक नहीं है। जिनकी ख्वाहिश है वो अच्छे आमों की पेटियों पे खुश नहीं होते। वो मुरीद आके कहे के तहज्जुद पढ़ता हूँ तो राजी हो जाते हैं। यहाँ तक हमारे सूफिया ने लिखा है कि सिर्फ ये समझ के बैत ना करो कि मैंने सामने वाले की तरबियत करनी है, ये समझ के बैत करो कि हो सकता है कोई मुरीद ऐसा मिल जाए कि वो कामिल हो और क़यामत में कहे या अल्लाह मैंने इससे दीन सीखा था, तो उसकी बरकत से अल्लाह तुझे भी माफ़ी अता कर दे। यहाँ तक आज जी की हमारे बुजुर्ग ने दी ने यहाँ तक। तो ये पांच बातें आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। मुखलिस ज़रूर बने, मुखलिस ज़रूर बने, मुखलिस ज़रूर बने। इस साल मेरे गांव के मेले की भीड़ में जो गुम हुआ वो एक भिकारन का लाल था। उस फकीर को तलाश थी फकत मताए खलूस की, पर मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल था। खलूस नहीं मिलता, खाली सो जाए, थोड़ी बातें कर लें, थोड़ी तारीफें कर लें, थोड़ी नज़र न्याज दे लें, थोड़े हो जाएं पर मुखलिस हो जाएं। थोड़ा अमल हो, इखलास वाला हो, वो किफ़ायत कर जाता है। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ जो बातें कही हैं मालिक कबूल फरमा ले, जहाँ भूल गया हूँ अल्लाह माफ़ कर दे। अभी क्योंकि महफिलें सरकार के नाम के ना जी, लोग तो आते जाते रहते हैं। हमें नज़रियाती बनना चाहिए, शख्सी नहीं बनना चाहिए। नज़रिए का मिजाज हमेशा, मैं अब शौक़ से कह रहा हूँ आप कि नज़रिए का मिजाज बनाएं, शख्सियत का बनाएं। कुछ लोग आके कहते हैं कि आप ना आए तो हमने महफिल नहीं करानी, तो मैं कहता हूँ ये आप गलत बात कर रहे हैं। महफिलें मेरे नाम की पाबंद हैं, ये क्या अजीब बात। मेरी तरह के कई लोग आए कई गए, महफिलें सरकार की हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। इसलिए नज़रिया मजबूत होना चाहिए। अभी खिताबात होंगे, महफिल जारी होगी। मेरी ख्वाहिश है कि आप सारे बैठें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।